दोस्तों आज के समय में काम को लेकर कितनी मारामारी है ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि एक अकेला इंसान 10 से 20 लोगों का काम अकेले ही कर देता है तो आप इस पर विश्वास तो नहीं करेंगे। लेकिन हम आपको हमारी इस वीडियो के जरिए जो दिखाएंगे उसे देखने के बाद आप यही कहेंगे, सच में ये लोग 10 से 20 लोगों का काम अकेले ही कर देते होंगे और ना जाने कितने लोगों का पैसा खा जाते होंगे। हमें तो ऐसा ही लगता है, इन लोगों की वजह से ही दुनिया में बेरोजगारी आई हुई है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो उनका टैलेंट है जो इस तरह उभर कर आता है और इनके इस टैलेंट को देखकर आप भी इनकी सराहना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। जानते हैं कुछ ऐसे फास्टर्स वर्कर्स के बारे में जिनके काम को देखकर उनके मालिक उनसे काफी इम्प्रेस होते होंगे। शुरुआत करते हैं हमारी पहली इस वीडियो क्लिप से, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये जनाब कितनी स्पीड के साथ इस फास्ट फूड को तैयार कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि इनका न सिर्फ तेजी के साथ काम करने का अंदाज लोगों को पसंद आता है, बल्कि ये जिस स्टाइल में काम करते हैं उसे देखकर तो हमें थोड़ी थोड़ी ब्रूस ली की याद भी आ रही है। लेकिन इनके इस अंदाज से इनका मालिक काफी खुश होता होगा। मालिक तो छोड़िए, यहाँ आने वाले कस्टमर्स को भी अगर ज्यादा तेज भूख लगी होती होगी तो वो जल्दी से खाना खा पाते होंगे। ये वाकई मजेदार है। और इन जनाब का कैंडी बनाने का अंदाज वाकई अनोखा है। देखिए कितनी स्पीड ली ये कैंडी को रोल करके उसे काटने पर लगे हुए हैं। अगर कंपनीज में ऐसे वर्कर्स आ जाएं, तो लगता है 10 वर्कर्स का काम ये अकेले ही कर देंगे और मालिक का पैसा भी बच पाएगा। हालांकि ये आपको जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, आप भी ट्राई करके देखिएगा। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इन जनाब को तो बैंक में नौकरी मिलनी चाहिए, कितनी तेजी के साथ ये पैसे गिन रहे हैं। हालांकि इनके पैसे गिनने की स्पीड को तो आपने देख लिया, लेकिन शायद आप ये भूल गए हैं कि इनका दिमाग तो कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता होगा, जो इतनी स्पीड के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। वाकई इनके लिए एक लाइक तो बनता है। वैसे हमारे भारत में ऐसा होता है, जब हम बाल कटवाने जाते हैं तो लंबी लाइन लगी होती है, लेकिन इन जनाब के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके स्पीड को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये 10 मिनट में करीब 5 से 6 लोगों की बाल कटिंग तो कर ही देते होंगे। देखिए इन्हें कितनी जल्दी कैंची चला रहे हैं। हालांकि इन्हें इस बात का भी डर नहीं है कि ये कैंची कस्टमर को लग सकती है। दोस्तों हमें जब भी तेज भूख लगती है तो हम कुछ अच्छा खाने का सोचते हैं, और ऐसे में सिर्फ खाने का ही सोचते हैं, ना कि उसे बनाने का। और अगर हम कभी उस खाने को बनाने में लग भी जाएं तो हमें घंटों का समय लग जाता है। लेकिन इन जनाब को देखिए, जो सैंडविच इतनी तेजी के साथ बना रहे हैं कि खाना खाने वाला सोचेगा और वो बन के भी तैयार हो जाएगी। इनके न सिर्फ बनाने का तरीका बल्कि इनका स्टाइल भी काफी अनोखा है, जो लोगों को काफी पसंद आता है। गर्मियों के मौसम में हर किसी को तरबूज खाना पसंद है, और तरबूज खाना ही पसंद है, काटना कोई नहीं चाहता। लेकिन इन जनाब को देखिए, जो तरबूज को इतनी जल्दी काट रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने 100 लोगों का ऑर्डर दिया हो और ये इतनी जल्दी काम कर रहे हैं। इनके स्पीड को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये लगभग 1 मिनट में 5 से 6 तरबूज को आराम से काट लेते होंगे। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप खुद काट कर देख सकते हैं। अक्सर हम जब कोई सामान ट्रांसपोर्ट के लिए भेजते हैं तो उसे लोड करने में घंटों का समय लग जाता है, उसके बाद उसे पहुंचाने में 2 घंटे का समय। लेकिन इन ट्रांसपोर्ट वर्कर्स को देखिए, जो अनानास को कितनी तेजी के साथ इस ट्रांसपोर्ट गाड़ी में लोड कर रहे हैं। और हालांकि इनका ये काम ये इतनी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं कि इसे देखकर आपका भी मन काम करने का कर जाए। लेकिन आपने इन वर्कर्स को ट्रांसपोर्ट गाड़ी में अनानास लोड करते देखा है, पर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको नजर आएगा कि ये लोग खेत में से काट कर उस अनानास को ट्रांसपोर्ट गाड़ी तक पहुंचा रहे हैं। तो देखा आपने कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं, जिन्हें देखकर तो हमारी आंखें ही चौंधिया गई हैं। अब बारी आती है इस स्वादिष्ट बनाना चिप्स की। देखिए ये वर्कर्स कितनी तेजी के साथ 1-2 नहीं बल्कि कई सारे बनानास को लेकर उसे इस तेल में चिप्स के तौर पर काट कर डाल रहे हैं, और एक साथ ढेर सारे चिप्स को तल कर निकाल भी रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पूरे दिन में अकेले ही 50 वर्कर्स का काम कर लेते होंगे, क्योंकि इनकी स्पीड इतनी तेज है कि हम सोचते रह जाएंगे और चिप्स बनकर भी तैयार हो जाएगा।
लेकिन आपने शायद इस वीडियो में एक खास बात नहीं देखी, और ये वो है कि जितनी देर में ये बनाना को मशीन में डालकर चिप्स बनाया जा रहा है, उतनी देर में ये करीब 5 से 6 बनाना को काट कर तेल में डाल देते हैं। अक्सर हम किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ये देखते हैं कि जब हम खाना का ऑर्डर करते हैं तो काफी समय बाद हमारे पास खाना पहुंचता है, और इसके काफी समय बाद टेबल को साफ किया जाता है, और ये सबसे गंदा नियम है। हालांकि इन जनाब को देखिए, जो न सिर्फ टेबल बल्कि इस बर्तन को इतनी जल्दी साफ कर रहे हैं कि ये 15 मिनट में लगभग 200 से ज्यादा प्लेट्स को धो चुके हैं। आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अक्सर हम अपने घर में कोई पालतू जानवर रखते हैं तो उसके लिए कई तरह के प्रोडक्ट्स और मशीनों का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसे स्वस्थ और अच्छा रखा जाए। हालांकि भेड़ों के लिए भी कई मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन जनाब को देखिए, जो भेड़ के ऊपर की रुई इतनी जल्दी और तेजी के साथ निकाल रहे हैं कि इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरे दिन में भेड़ों का पूरा मैदान ही साफ कर देते होंगे। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में बताइए। वैसे हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पर तो कॉम्पिटिशन भी चलती है, अब इसके बारे में क्या है, जो भी है लेकिन अच्छा है। हमारे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि जब हम पिज्जा ऑर्डर करते हैं या तो डिलीवरी मैन की गाड़ी खराब हो जाती है या पिज्जा बनाने में लेट हो जाता है। लेकिन इस पिज्जा मेकर के बारे में हम क्या कहें जो इतनी तेजी के साथ पिज्जा के बॉक्स बनाने में लगे हुए हैं, जैसे कि इन्हें न जाने कितनी पार्टियों का ऑर्डर आया हो। पर जो भी है, ये 10 वर्कर का काम तो अकेले ही निपटा देते हैं, और इनके मालिक इनके इस काम से खुश भी होंगे। बेशक इन्होंने इनकी सैलरी नहीं बढ़ाई हो, लेकिन काम तो अच्छा किया है ये कहकर वो शाबाशी तो दे दिया करते होंगे। जब भी हमारी मम्मी घर साफ करने के लिए कहती हैं, तो हम घंटों का समय लगा देते हैं घर साफ करने में, लेकिन इन जनाब को देखिए, जो इतनी स्पीड के साथ खिड़कियों को साफ कर रहे हैं जैसे मारो इन्हें कोई बड़ा इनाम जीतना हो। हालांकि ये करीब 10 से 12 मंजिल की बिल्डिंग को 1 से 2 घंटे में तो साफ कर देते होंगे, शायद हमने ज्यादा बता दिया। आप हमें कमेंट करके बताइए कि इनकी स्पीड को देखकर आपको क्या लगता है कि ये कितने घंटों में अपना काम पूरा कर देते होंगे। दोस्तों, अक्सर जब भी हम प्याज काटते हैं तो हमारी आंख आंसुओं से भर जाती है, लेकिन इन जनाब को देखिए, जो इतनी स्पीड के साथ प्याज को काट रहे हैं वो भी बिना किसी आंसू के, और इनका हाथ इतनी तेज चलता है कि ये लगभग 10 प्याज 2 मिनट में काट देते होंगे, है ना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी और तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। धन्यवाद।